क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले हम लोग, फिर हम लोग वन बाय एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो वी हैव, हम लोगों के पास क्या है, वी हैव एक्स स्क्वल टू 9 - 4√5, ठीक है। तो देन उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 - 4√5 का स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपली है ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर, मैंने पहले ही बताया है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 4√5 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 × 9 × 4√5, क्लियर है। अब देखिए तो क्या आ जाएगा, 9 × 9 = 81 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 5 माइनस 4 × 2 = 8 और 8 × 9 = 72√5, क्लियर है। देन 81 प्लस 16 × 5 = 80 - 72√5, देन 8 × 8 = 161 - 70, क्लियर आ गया। अब आप समझिए किसका वैल्यू आया, x का। देन 1 / x² दैट मीन 1 / x² का क्या वैल्यू आया, इतना आया ना, तो हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पे, हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं 161 - 72√5 × 161 + 72√5 / 1√5, देन 161 + 72√5 / ठीक है 161 का स्क्वायर माइनस 72√5 का स्क्वायर। ये थोड़ा लग रहा है कि कुछ बड़ा ही हो गया है, ठीक है। तो 161 + 72√5 / हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब आप 161 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 25921 माइनस, और 72√5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 25920, ठीक है। तो देखिए इसमें ए वन ही आएगा आंसर, इसका डिनोमिनेटर में वन आएगा क्योंकि ये एक ज़्यादा है ना, 920 के बाद 921 एक ज़्यादा है, तो सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 161 + 72√5 / 1, दैट मीन 161 + 72√5, तो इसका निकल गया और इसका निकल गया। हम लोग लिख सकते हैं दस द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² = एक्स स्क्वायर का क्या आया था, 161 - 72√5, उसके बाद क्या है प्लस 1/x का क्या आया, 161 + 72√5 ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एंड 161 + 161 दैट मीन 112 6 6 12, देन 112 और 1 3 322 इज आवर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया।